हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे काम की। दोस्तों आप सोच रहे हो कि यार आसिफ भाई नाइट में वीडियो आज क्यों शूट कर रहे हैं, क्या बात है, क्या इशू है। तो आज वाली मैं बुकिंग आपको काम करने का तरीका बताऊँ ना, तो मैं पिछले एक हफ्ते में मतलब गाड़ी 100 किलोमीटर के ऊपर नहीं चलाई है। सारी बुकिंग टोटली जो की है वो की है 100 किलोमीटर के अंदर ही, और पैसे अच्छे खासे बचे हैं। और आज मेरी गाड़ी कितनी बची और कितने पैसे मिलेंगे और मैं आज वीडियो शूट शाम को क्यों कर रहा हूँ, तो सारा कुछ बताऊँगा आज वाले वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं। तो दोस्तों बिजनेस करने का जो दो तरीके होते हैं ना, सिर्फ दो तरीके होते हैं। एक होता है पूरा दिन गाड़ी चलाओ, फिर शाम को हमको उतने पैसे मिले। गाड़ी चलाने के साथ साथ हमारी जो गाड़ी भी टूटती है और हम खुद भी टूटते हैं। तो जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाओगे ज़रूरी नहीं है उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। बहुत सारे हमारे वीडियो क्रिएटर 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे की ड्यूटी कर लो और आपको इतना पैसा मिलेगा। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगा, आप उस हिसाब से काम करो, उस हिसाब से बिजनेस करना सीखो कि टाइम लगे चले, थोड़ा बहुत किलोमीटर कम चले हमारी गाड़ी, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सिंपल एक एग्जांपल करके बताऊं, 300 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, पैसे बच रहे हैं सीएनजी फ्यूल वगैरह निकालने के बाद, और वही गाड़ी अगर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, समझ रहे हो ना मेरी बात को, पॉइंट को, तो वही गाड़ी अगर आप 100 किलोमीटर चला करके वही टाइम और वही गाड़ी सब कुछ पैसे भी उससे अच्छे बचें या उससे 100-200 कम बचें, तो दोनों में ऑप्शन आपको कौन सा चॉइस करना है कमेंट करके आज की वीडियो में ज़रूर बताना कि आपके लिए दोनों चॉइस ऑप्शन कौन सा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 300 किलोमीटर गाड़ी चलाने का और जो पैसे हमें मिलते हैं बचते हैं फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ निकालने के बाद, और 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने का उतने ही पैसे मिलते हैं या 100 रुपये हमें कम मिलते हैं या 200 हमें कम मिलते हैं, तो दोनों में बिजनेस मतलब करना, दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अच्छा है, 100 किलोमीटर वाला या 300 किलोमीटर वाला। तो इस टाइप से बिजनेस करना सीखो। आज की जो बुकिंग है वो आज का वीडियो बनाने का मकसद यह है, मैंने पिकअप किया था करीब 11 बजे और 11 बजे से लेकर के 4-5 विजिट किया हूँ मैं, और 5 विजिट के अंदर 7 बजने वाले हैं। मैं आपको टाइम दिखाऊँ पहले कि कितना टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 7:15 बजे, ठीक है, 7:30 या 7:45 बजे तक लास्ट में फ्री हो जाऊँगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बस 2-5-10 मिनट का टाइम है, कॉल तैयारी है राइडर की और यहाँ से मैं ड्रॉप कर दूँगा। और ये तो मैंने आपको दिखा दिया टाइम, अब मैं आपको दिखा दूँ मीटर। देखो मैंने जब चला था ना गाड़ी को लेकर के पिकअप किया था, तो यहाँ पर आप देखो किलोमीटर 24.6, तो ये 24.6 किलोमीटर समझ लो 4 किलोमीटर ऊपर के है ना, वो मैंने चाय पीने में, तो जो 4 किलोमीटर ऊपर की है ना वो समझ लो मैंने कोई इधर उधर घूमने में निकाल लिया। दोपहर में एक विजिट था ना, मैं चाय पीने चला गया था, तो 1.5 किलोमीटर का वो राउंड ऑफ था, तो 3 किलोमीटर 3.5-4 किलोमीटर तो उधर चली गई वो, और अभी ड्रॉप करके आया हूँ तो इधर, तो ये 4 किलोमीटर जो ऊपर आ रहा है ना ये समझ लो मेरे इधर उधर आने जाने में। बाकी कस्टमर के रिलेटेड जो गाड़ी चली ना वो सिर्फ 20 किलोमीटर चली है, और अभी यहाँ से मैं ड्रॉप कर दूंगा 500 मीटर पर बस स्टैंड है, तो 24.6 आप 25 किलोमीटर पकड़ लो, और भी ऐड करना है तो आप 30 किलोमीटर पकड़ लो, सिर्फ 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद समझो पैसे मुझे कितने मिलेंगे, 2000। टाइम 8 घंटे का पूरा हो गया लेकिन गाड़ी चली सिर्फ 30 किलोमीटर से कम, बाकी 25 ही चलो, बाकी 22-23 से ज़्यादा नहीं चलेगी। कस्टमर रिलेटेड अगर किलोमीटर आप काउंट करोगे तो 22-23 किलोमीटर टोटल, ठीक है, इतनी सिर्फ गाड़ी चलाने के बाद आपकी प्रॉफिट 2000 रुपये। अब ये 25-30 किलोमीटर में भैया कितना फ्यूल जाएगा, मेरा डीजल गाड़ी है 200 रुपये का, तो मुझे 1800 रुपये बचे। अगर मैं यही ट्रिप अहमदाबाद जाता लेके और आ गया होता, ठीक है, लेकिन वहाँ पर गाड़ी चलती कितना, 300 किलोमीटर के अंदर, और पैसे मिलते मुझे 1500-1600 रुपये सब निकाल के, फ्यूल व्यूल निकाल के 1500-1600-1700 रुपये बचते, या फिर 1800 रुपये अगर एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट होती तो 1700-1800 रुपये मिलते, 260-270 किलोमीटर गाड़ी चलती।
तो सोचो 30 किलोमीटर गाड़ी चलाना, और जितनी भी बुकिंग मैंने पिछली की है आपको जो दिखाई ब्लॉगिंग टाइम में, मैंने जो भी दिखाई एक दिन 45 किलोमीटर की, दूसरे दिन 75 किलोमीटर की, और उसके बाद भी 50 किलोमीटर की, तो इस टाइप से मतलब जितनी भी बुकिंग की है ना मैंने सब, और जो ऊबर वाली बुकिंग की थी वो 100 किलोमीटर के अंदर ही थी, मतलब राउंड ट्रिप ले गया था जो ब्लॉग मैंने बनाया था उसके अंदर भी वही था। तो 80, 85, 90 मतलब जित मेरे मेरे को जहाँ तक अभी तक ध्यान है ना, जो भी बुकिंग मैंने की है ना पिछले 2 हफ्ते में, टोटली 100 किलोमीटर के अंदर, और रेट भी वही। तो 200-300 रुपये का फ्यूल, पैसे उतने मिले, हमारी गाड़ी कम चलेगी, तो गाड़ी हमारी कम चलेगी तो लाइफ हमारी गाड़ी की बचेगी और इंक्रीज होगी, मतलब कम किलोमीटर चल रहे हैं और हमें पैसे उतने ही मिल रहे हैं, 300 किलोमीटर तोड़ो तभी उतने ही बच रहे हैं। तो बिजनेस करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, एक तो गाड़ी चला चला के पूरा दिन भीगे करो, इकट्ठे करो, और या फिर इस टाइप की बुकिंग पे काम करो जो मैं करता हूँ। और आप कहोगे आसिफ भाई ये वाली बुकिंग कहाँ से ली, तो ये वाली बुकिंग मेरी पर्सनली है, काफ़ी पुरानी है, और ये जो मैम है राइडर वो है कोलकाता से, तो ये जब भी ये अभी आए 3 महीने के बाद, 3 महीने पहले आए थे नवंबर में, शायद नवंबर के लास्ट में ये आए थे, दिसंबर स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पे आए थे, तो मैं इनको लेके गया था, और आज ये आए हैं अब इनको लेके आया हूँ, और इनका एक ही दिन का विजिट होता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये जब भी आते हैं तो 20-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर ही गाड़ी चलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा फिक्स रेट है इनका 2,000 रुपये, और 1-1.5 साल से ये मेरे पास आ रहे हैं। तो ये वाला ब्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ इतना था बताने का आपको कि आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करो भैया, गाड़ी लिए हो, पैसे डाल रहे हो, अच्छी खासी आपने गाड़ी ली है, 10 लाख रुपए डाले हो, तो थोड़ा सा काम ऐसा करो कि आपकी गाड़ी को भी नुकसान ना हो, आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, और अच्छी खासी कवरेज होती रहे, कवरेज अच्छी होती रहेगी तो गाड़ी की भी लाइफ बनी रहेगी, मेंटेनेंस वगैरह मतलब 8-10 साल आप गाड़ी आराम से खींच सकते हो, 10 साल तक जब तक परमिट वगैरह रहता है आपका स्टेट का, तब तक आप आराम से एक गाड़ी को चला सकते। कुछ आपने देखा होगा 2-3 साल में ही गाड़ी बंगार कर देते हैं, बेच देते हैं, मतलब कवाड़ा जैसी हो जाती है, बड़बड़ जैसी आवाज़ आने लगती है, तो वो क्यों होता है ना, वो होता है गाड़ियाँ ज़्यादा चलाने से लोकल के अंदर। ऊबर के अंदर देखा होगा आपने कंटिन्यू चलते रहते हैं भाई 50 साल, अगर 10-15 बार स्टार्ट करनी, बंद करनी, चालू करनी, तो ये चीज़ से क्या है ना आपकी गाड़ी पे भी इफेक्ट पड़ता है और आपकी मेहनत पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पकड़ता है। तो ये चीज़ें जब भी आप कोई भी बिजनेस करना सीखो, अपने विचार से, अपने दिल मन से सीखा करो कुछ ना कुछ, कि हमें ज़िंदगी भर इसी टाइप का बिजनेस करते रहेंगे तो हमारी गाड़ी के बारे में भी सोचा करो कि हमारी गाड़ी की लाइफ मतलब एक ली है, 4-5 साल की तो लोन होती है आपकी गाड़ी की, तो गाड़ी की लोन मतलब फ्री होने से पहले ही कबाड़ा कर लो, या फिर गाड़ी फ्री हो जाए उसके बाद भी हम 5 साल और चला लें। तो जब आपके इंजन के पार्ट्स वगैरह सारे कुछ घिस लोगे, ख़राब कर लोगे, तो आगे इन फ्यूचर 5 साल जो गाड़ी चलाने वाले होगे तो वो कैसे कवर करोगे। तो सिंपल बताने का मकसद यही है मेरा कि थोड़ा बिजनेस करो, दिल और दिमाग लगा करके गाड़ी कम तोड़ो, अच्छे पैसे में बिजनेस करो, दिन में एक करोगे 200 कम कमाओगे चलेगा, लेकिन गाड़ी कम तोड़ो, गाड़ी कम चलाने की कोशिश करो कि कम से कम गाड़ी चले, और इस टाइप की बुकिंग पे काम करो जो पैसे कम चलाने के बाद पैसे कवर हो। तो आज का एक मैसेज देने का मकसद था सिर्फ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।